साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों कुछ टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, इंडिया में मान लीजिए, अदर कंट्री से रिलेटेड मान लीजिए, कहीं पर भी आप इंटरव्यू दो, फ़ोन पर भी कई बार इंटरव्यू होती है, फेस टू फेस भी होती है, आजकल तो फेसबुक व्हाट्सअप पर भी इंटरव्यू होने लग गई है वीडियो कॉलिंग के द्वारा, ठीक है। तो कुछ टॉपिक मैं बताऊंगा, अगर आप अपना चैनल विदेश से रिलेटेड है तो ये उसमें भी जॉब में काम आती है, क्योंकि लगभग 80% काम इंटरव्यू से होता है, ठीक है। तो इस इंटरव्यू में आपको क्या कुछ, आपको ऐसी चीज़ें आपके पास हो, आपको नॉलेज हो, ताकि बंदा सिलेक्शन जाते ही आपका सिलेक्टेड हो जाए और आप अच्छी पोस्ट अच्छी जॉब आपको मिल सके। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो साथियों हेडिंग मैंने रखी है इंटरव्यू, अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो तो उससे पहले क्या तैयारी आपके पास होनी चाहिए, क्या कुछ बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि आपको जो बंदा इंटरव्यू लेने आ रहा है वो इंप्रेस्ड हो और अच्छी आपको सैलरी, जैसे 1500 दिनार है तो 200 दिनार एक्स्ट्रा बढ़ा के लगाए कि बंदा ठीक है, इसको नॉलेज है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको काम में परिपूर्ण होना ज़रूरी है। कि मान लीजिए आपके पास ऑफिशियल जॉब है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो कंप्यूटर का अगर आपको नॉलेज ही नहीं होगा तो इंटरव्यू में जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको डेटा, बेसिक डेटा नॉलेज आना चाहिए, ताकि कल को अगर वो पूछ भी ले तो आप उनका आंसर दे सको। तो आपको काम, जिस जॉब में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, वो काम की कंप्लीट इंक्वायरी, कंप्लीट जानकारी आपको बहुत जरूरी है होना, तभी आपका सक्सेस होना तय है। समय पर जाना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट साथी ये है कि मान लीजिए आपको जयपुर में इंटरव्यू है और आपको टाइम दिया है 11 बजे पहुंचने का और आप पहुंच रहे हो 11:30 बजे, इम्पॉसिबल। आपको 11 बजे का टाइम दिया, आप 10:30 बजे पहुंचो, ताकि आप आधा घंटे वहाँ रेस्ट करोगे, वहाँ का माहौल देखोगे, समझोगे, किसी को पूछोगे तो माइंड में थोड़ा सा ना रिलैक्सेशन मिलता है अपने को। अपन पहले पहुंच गए तो बंदा कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से, आप आराम से वो इंटरव्यू दे सकता है। तो हमेशा टाइम पे आधा घंटा पहले पहुंचे, ताकि अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा आपको, ठीक है। साथियों CV साथ में, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जॉब में सिलेक्शन होने का, CV आपके पास होना चाहिए। आपने सपोज करिए कि 10 जगह जॉब किया, 5 जगह पहले से आपने जॉब कर रखा है, CV आपके पास नहीं है, तो भैया क्या है, अगला बंदा पूछेगा, मुंह से पूछ बताओगे तो इंटरेस्टेड अगला भी नहीं होता, मजा नहीं आता उसमें। तो CV साथ में होना चाहिए, पूरा बायोडाटा, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ से लेके पूरे लेके एंड तक जितना जॉब से अनुभव है, जो भी कहाँ कैसे कैसे किया, पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। CV साथ में अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि बंदा CV देखते ही उसके मन में कुछ आपके प्रति हमदर्दी और आपका जॉब में सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए साथियों। आपको मान लीजिए कि इंटरव्यू है कोई भी जॉब से रिलेटेड, तो उसका पहले से तैयारी कर लीजिए, पहले दिन से, कि फलाने दिन अपने को इतनी बजे पहुंचना है, ये डॉक्यूमेंट अपने को साथ में लेके जाना है, ये अपने को नॉलेज होना चाहिए, और वहाँ पूरी सिस्टमेटिक ढंग से आप जाओगे तो ये जॉब में सहायता करते हैं, जॉब जल्दी मिले सिलेक्टेड होने में ये सहायता करते हैं ये चीज़ें, ठीक है साथियों। आप दूसरी बात, कंपनी से रिलेटेड जानकारी, आप मान लीजिए जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो उसका बेसिक नॉलेज आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कंपनी कब से चल रही है, कब से जिस स्थापना हुई थी, ये किस किस क्षेत्र में काम करती है, इसकी साइडें कहाँ हैं, इसकी सब ब्रांच कहाँ है, ठीक है साथियों। उसमें मतलब कंपनी से रिलेटेड, जिस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हो, जिस कंपनी से रिलेटेड आपको उनका नॉलेज बेसिक थोड़ा बहुत होना चाहिए, ताकि क्लाइंट अगर आपसे पूछे तो उसको आप आंसर दे पाओ, ठीक है। उसको भी लगे यार बंदा कंपनी के बारे में पहले से जानता है, इसका मतलब इंटरेस्टेड है, तो ये जॉब सिलेक्शन होने में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। कंपनी से रिलेटेड आपको पहले से बेसिक जानकारी, ये तभी हो पाएगा जब आप इंटरव्यू देने के लिए 11 बजे पहुंचने के बजाय 10:30 बजे पहुंच जाओ, तो पहले जाके इधर उधर की जो बेसिक जानकारी आप ये ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है इसमें। लास्ट का मेन क्वेश्चन साथियों ये रहेगा कि कॉमन इंक्वायरी। जी हां साथियों, आप मान लीजिए कि वहां पे जा रहे हो तो जो क्लाइंट आपसे इंटरव्यू ले रहा है, आप गुमसुम होकर बैठोगे तो अगला क्या पूछेगा, उसको आप थोड़ा सा अपने बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्या बताना पड़ेगा, पहले मैंने इस कंपनी में काम किया है, इतने टाइम से इतने तक किया है, ये मेरा काम था, मैंने वहाँ साइड थी, हमने ऐसे काम किया, हमने ऐसे प्रोजेक्ट पूरा किया, इतनी मेरी सैलरी थी, ये मेरी सैलरी स्लिप, ठीक है, कितने टाइम काम किया, यानी अपने आपने जो पहले से अगर आपके पास अनुभव है तो वो बातें आप उनके साथ शेयर करो, ताकि उनको लगे कि बंदा पहले से अनुभवी भी है इसकी। अब एग्जांपल के तौर पे वो बोलेंगे आपकी 20,000 सैलरी देंगे, आप बोले आपकी पहले से 25,000 थी, तो आप क्या बोलेंगे, आपको अनुभव है, आप बोल सकते हो सर मेरे पहले इस कंपनी में जॉब था, मेरी 25,000 सैलरी पहले से थी, तो उनको लगेगा यार बंदे की 25 तो पहले से ले रहा है, तो यहाँ अगर 30-35 नहीं मिलेगी तो जॉब नहीं करेगा। तो ये बातें आपको बतानी पहले से ज़रूरी हैं। लास्ट में कौन आराम से रिलैक्सस होके, फलानी कंपनी में काम किया, इतने टाइम से इतने तक किया, वहाँ मेरी ब्रांच थी, यहाँ मैंने प्रोजेक्ट पूरे किए, ये मेरी तनख्वाह थी, वगैरह वगैरह जो भी आपके पास इंक्वायरी है। तो ये चीज़ें विदेश से रिलेटेड भी काम आने वाली हैं, खासतौर से अपना चैनल विदेश से रिलेटेड ही जॉब से रिलेटेड है, तो उनमें ये चीज़ें बहुत भाग इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट आता है तो उनकी चीज़ें सामने रखोगे तो उनको माइंड में आपकी बातें बैठेंगी,
तो सिलेक्शन नहीं करेगा तो भी वो करेगा, और अगर करेगा तो सैलरी भी वो बढ़ा के लगाएगा। ठीक है साथियों, ये कुछ बातें थी मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर इसमें कमबत्ती है तो आप कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने, साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज ऐसे टॉपिक पर नई नई जानकारी आपको मिलती रहे, जिससे भविष्य में आपके साथ कोई धोखाधड़ी का शिकार होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।